हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर यानी कि इथाइल एसिटो एसिटेट से सिंथेसाइज होने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जैसे मैलोनिक एस्टर बहुत यूजफुल कंपाउंड है, मैलोनिक एस्टर का इनोलेट आयन बनाकर उससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, उसी तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर से भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं वाया इनोलेट आयन। इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस आपको बताएं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि उस सिंथेसिस के दौरान यूज होंगी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एसिटोएसिटिक एस्टर का एल्कलीकरण करवाया जा सकता है, एल्काइलेशन, जो कि मोनो एल्काइलेशन भी करवाया जा सकता है और डाई एल्काइलेशन भी करवाया जा सकता है। तो इसके लिए हम एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाकर पहले इसका एनायन बनाएंगे, एच हट जाएगा, उसकी जगह पर माइनस चार्ज आ जाएगा यानी कि इनोलेट आयन बन जाएगा, और फिर उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाकर इनोलेट आयन पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो मोनो एल्काइलेटेड एसिटो एसिटिक एस्टर बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही सेकेंड स्टेप में फिर से ये रिपीट करेंगे दोनों स्टेप्स, तो ये एक और एच हट जाएगा, उसकी जगह ये जो दूसरा एल्काइल ग्रुप हमने लिया है, चाहे वो सेम हो चाहे दोनों अलग हो, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और डाई एल्काइलेटेड एसिटो एसिटिक एस्टर प्राप्त हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। इसी तरह से एसिटोएसिटिक एस्टर का एसाइलेशन भी करवाया जा सकता है। तो जैसे हमने एल्काइलेशन करवाया, वैसे ही एसाइलेशन के लिए हम एसाइल ग्रुप यूज करेंगे। यहाँ पर हम एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करवा रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल ना लेकर सोडियम हाइड्राइड को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में यूज कर रहे हैं इनोलेट आयन बनाने के लिए। जैसे सोडियम इथॉक्साइड एक प्रबल क्षार है, वैसे ही सोडियम हाइड्राइड भी एक क्षार है, प्रबल क्षार है, इसका यूज भी हम इनोलेट आयन बनाने में कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड के साथ इथेनॉल यूज करते हैं, तो वो इथेनॉल यहाँ अवॉइड करा जाता है। इथेनॉल जो है वो RCOCl से आगे रिएक्शन कर लेता है, जो कि हम रिएक्शन में यूज करने वाले हैं, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर इनोलेट आयन बनाने के लिए अलग प्रकार का बेस और अलग प्रकार का सॉल्वेंट यूज किया है। तो इनोलेट आयन फर्स्ट स्टेप में बन गया, सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन एसाइल हैलाइड से करवाई, तो एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और मोनो एसाइल डेरिवेटिव बन जाएगा एसिटोएस्टिक एस्टर का। इसी तरह से एक और एच हटाकर उसकी जगह भी हम दूसरा एसाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल यही दोनों स्टेप्स यूज करके दोबारा। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एसिटो एसिटिक एस्टर की है वो है फिनाइलेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिनाइल ग्रुप जोड़ेंगे यहाँ पर हम। तो फिनाइल ग्रुप जोड़ने के लिए हमने पहले एसिटोएसिटिक एस्टर लिया, फिर उसकी रिएक्शन फिनाइल ब्रोमाइड से करवाई यानी कि ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से NaNH2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई और यहाँ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भी यूज करेंगे। तो ये एक H निकल जाएगा और उसकी जगह पर एक फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो फिनाइलेशन के लिए हम ये वाले रिएजेंट्स यूज करके फिनाइलेशन भी करवा सकते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते समय उसमें एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फिनाइलेशन एट्सेट्रा कुछ भी करवा सकते हैं, और उसके बाद हम इसका जब जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन भी यहाँ दो प्रकार का होता है। मैलोनिक एस्टर का जो जल अपघटन हमने आपको समझाया था वो एक ही प्रकार का था, अम्लीय जल अपघटन। यहाँ पर दो प्रकार के जल अपघटन पॉसिबल हैं। एक जल अपघटन का नाम है अम्लीय जल अपघटन। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ अम्ल से नहीं करवाया जा रहा है ये जल अपघटन। इसका नाम अम्लीय जल अपघटन इसलिए है क्योंकि इसमें उत्पाद स्वरूप अम्ल बनेंगे, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं हम इसको,
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट एसिड बन रहा है, यूज एसिड नहीं कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, बट प्रोडक्ट एसिड बन रहा है, इसलिए इसका नाम अम्लीय जल अपघटन है। इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे एसिड बनाने के लिए वो है बॉइलिंग KOH का एक इथेनॉलिक सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ही कंसंट्रेट KOH लेंगे और उबलता हुआ KOH लेंगे इथेनॉल में उसका सॉल्यूशन बनाकर। दूसरे प्रकार का जो जल अपघटन होता है कीटोनी हाइड्रोलिसिस होता है, उससे कीटोन्स बनते हैं। वहां पे हम KOH जो है वो माइल्ड लेंगे, यहाँ पे हम उबलता हुआ KOH ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड KOH ले रहे हैं, और हमको प्रोडक्ट के रूप में एसिड मिल रहा है। वो कीटोनी हाइड्रोलिसिस जो दूसरी प्रकार का जल अपघटन है वो कीटोनी जल अपघटन है, उसमें उत्पाद स्वरूप कीटोन बनेंगे, तो वहां पर डाइल्यूट KOH यूज करना है, यहाँ पर कंसंट्रेट। तो देखें कैसे होता है ये एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाकर फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बनाया, सेकेंड स्टेप में एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाकर एल्काइल समूह लगाया, मोनो एल्काइल व्युत्पन्न बन गया। उसके बाद जब कंसंट्रेटेड KOH के साथ बॉइल किया इथेनॉलिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड KOH का जब इसमें डाल के इसको बॉइल किया, तो दो जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये उत्पाद प्राप्त होंगे। तो यहाँ उत्पाद के रूप में हमको एसिड प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। जैसे कि हमको एन ब्यूटायरिक एसिड बनाना है, एन ब्यूटायरिक एसिड, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, चार कार्बन वाला एसिड है एन ब्यूटायरिक एसिड। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले ये पता करना है कि एल्किल समूह कौन सा लेंगे, एल्किलीकरण जब करवाएंगे तो एल्किल समूह कौन सा होना चाहिए। उसके लिए जो हमको एसिड बनाना है, ये एसिड हमारा प्रोडक्ट है, उसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। उसमें से ये दो कार्बन की मॉइटी, एसिटिक एसिड मॉइटी को बाहर बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, यानी कि COH समूह और उसके पास वाला कार्बन दोनों को बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। बाहर जो बचा, जो शेष रहा, वो ही हमारा एल्किल समूह है जो हमको लगाना है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से करवाकर पहले इनोलेट आयन बनाया और फिर एल्किलीकरण करवाने के लिए एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाई। एल्किल समूह हमारा है CH3CH2 जो कि ये है, तो C2H5Pr से रिएक्शन करवाई, ये CH3CH2 यहाँ जुड़ गया। अब हमने कंसंट्रेटेड KOH से के साथ इसको बॉईल किया, वही जैसा मैंने ऊपर बताया था, दो जगह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमको CH3CH2CH2COOK जो डिजायर्ड एसिड है उसी का सॉल्ट मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल है अल्फा मिथाइल एल एन वेलरिक एसिड। वेलरिक एसिड होता है पेंटेनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है, और इसके अल्फा पोजीशन पर, अल्फा कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो अल्फा मिथाइल एन वेलरिक एसिड का निर्माण करने जा रहे हैं। इसकी सिंथेसिस करने के लिए पहले इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब COOH ग्रुप जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है वो, और उसके पास वाला कार्बन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और जो दो एल्किल समूह बाहर दिख रहे हैं वो दोनों हमको एक एक करके लगाने हैं। इन दोनों में से पहले जो छोटा एल्किल समूह है वो लगाएंगे, फिर बड़ा, यानी कि एल्किलीकरण दो बार करवाना है। तो वही मेथड है, पहले सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से रिएक्शन, फिर ये जो एल्किल समूह है इसी का हैलाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाई, तो एल्किल समूह लग गया, मोनो एल्किल व्युत्पन्न बन गया एसिटोएस्टिक एस्टर का। फिर से ये स्टेप यूज करी, रिपीट करी, यानी कि इनोलेट आयन बनाने के लिए सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से रिएक्शन करवाई, और फिर दूसरा एल्किल समूह है हमारा C3H7, तो वो लगाया ऐसे। तो ये डाई एल्किल
डेरिवेटिव बन गया। अब हमको करवाना है इसका अम्लीय जल अपघटन सांद्र यानी कंसनट्रेट KOH की हेल्प से। तो दो जगह से बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था वो मिल गया, अल्फा मिथाइल एन वेलेरिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम अम्लीय जल अपघटन करवा कर एसिटो एसिटिक एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करवा कर डिजायर्ड एसिड प्राप्त कर सकते हैं। जैसा एसिड हमको चाहिए वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है ये। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कीटोनी जल अपघटन के बारे में आपसे बात करूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।